आज हम लोग का मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अगस्त का चौथा शनिवार और अभी मौसम किस चीज का है? बारिश का है ना। और हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी आता है हर साल, और वहाँ सब कुछ डूब जाता है और लोगों को अपने घर से रोड तक जाने में नाव यूज़ करना पड़ता है। इधर जब जाएंगे तो देखेंगे कि रोड से जब जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो रोड के किनारे किनारे छोटा छोटा डोंगी रखा रहता है नाव, है ना। और घर है जैसे सरदार बिगड़ा है, या वहाँ झाड़ी के पास में, या उधर दिख रहा है तार के पास में, वहाँ पे जैसे घर दिख रहा है वैसे ही है। तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए उनको नाव चाहिए, घास ले जाने के लिए, चारा अपना सब्जी वगैरह ले जाने के लिए नाव से ही लोग आते हैं, या फिर वहाँ से उठ करके चले आते हैं रोड पे, और रोड पे तंबू बना करके रहते हैं कम से कम 15 दिन, हफ्ता 15 दिन, क्योंकि इधर उत्तरी भाग बिहार में जो है बाढ़ का पानी हफ्ता 15 दिन रहता है। एक बार पानी भर गया तो ख़त्म होते टाइम लगता है, तो हर साल उनको ये समस्या झेलनी पड़ती है। और अचानक से पता चलता है, रात में सोते रहते हैं और अचानक से पता चलता है कि आ गया बाढ़ का पानी, आ गया नदी एकाएक पानी आ जाता है, और पूरा घर क्या होता है। कल हम लोग पढ़े थे ना, एक दिन पढ़े थे ननकू वाला कहानी, है ना, सतमा में साथ था, हाँ, कारे ननकुआ, है ना। तो ननकुआ अपने दादा को बचा लेता है, एक बांस की बल्ली पे, है ना, चला जाता है शहर की तरफ, चला जाता है नदी, और उसी से होते हुए गुजरता रहता है और बीच में बचा लेता है, वो उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है उस बच्चे को। ये सब चीज़ हमें क्यों बताया जा रहा है? मुख्यमंत्री विद्यालय स्वच्छता कार्यक्रम 15 सालों का प्रोग्राम है, 2015 से 2020 तक का, कितने तक का, 2015 से 2020 तक। हमने देखा कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लोग अपनी जिंदगी सही से जी नहीं रहे हैं, लोग अपनी आयु पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की मृत्यु पहले ही हो जाती है, चाहे सड़क दुर्घटना हो, नाव दुर्घटना हो, या फिर तरह तरह के ठंड लगने से, लू लगने से, या और भी आपदा ऐसे आते हैं जिसमें कि लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब सोचो, नाव पे सवारी करते हैं और हर साल ये घटना घटित होता है कि नाव डूबने से, कल परसों दो तीन दिन पहले यूपी में एक नाव डूबा और उसमें बहुत सारे लोग लापता हो गए। तो कहते क्या ऐसी बात है, एक एक नाव पे 100 लोग बैठे रहते हैं, 200 लोग बैठ जाते हैं, बड़ा नाव है तो 200 लोग बैठ जाते हैं। अगर नाव डूब गया तो नाव पे सवार लोग कहीं ना कहीं एक गांव के तरफ ही के लोग रहते होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा दूर के लोग नहीं रहते हैं। और अगर नाव डूब गया तो उसी स्थिति में क्या होगा, सब लोग क्या होंगे, जिनको तैरने भी आता तो नाव ऐसे ढक जाता है ना, तो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो क्या नाव दुर्घटना को होने से बचाया जा सकता है? अगर इन बच्चे ज़्यादातर अगर जो नहीं समझते हैं, नाव पे हुड़दंग मचाते हैं या अपनी गलतियों की वजह से डूब जाते हैं, तो नाव की सुरक्षा हमें जानना है कि आप कैसे नाव से यात्रा करें और अपने लोग जीवन बचाएं। जैसे देखिए, नाव दुर्घटना सबसे पहले है कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्या इसकी शर्तें हैं कि हम इसको यूज़ करें, है ना। इसमें एक पट्टी दिया रहता है, अगर उस पट्टी से ज़्यादा पानी है तो उस नाव पे नहीं बैठना, जैसे इस पर भार बढ़ गया है ना, लोग बैठे तो पट्टी क्या होगी, डूबने लगेगा। तो बताता है कि नाव में ज़्यादा सवारी हो रही है, अब नाव पे हमें नहीं बैठना चाहिए। हम नाव पे बैठने पहले देते हैं कि हम सूर्यास्त के पहले बैठे नाव पे, और सूर्योदय के बाद अंधेरे में नाव पे नहीं जाना है, क्योंकि उसमें लाइट नहीं होती, और लाइट भी होगी तो नदी में क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, है ना। तो हमें दिन में नाव की यात्रा करनी है, और हमें कभी भी बरसात के समय पानी जब बारिश हो रही हो या फिर तेज आंधी तूफान चल रहा हो तब नाव नहीं बैठना है ना, हमें कभी भी टूटी फूटी नाव पे नहीं बैठना है ना। और नाव का रजिस्ट्रेशन होता है, गाड़ी का जैसे लाइसेंस बनता है वैसे ही नाव का भी रजिस्ट्रेशन होता है कि ये हर कोई क्या करता है, अपना नाव ले आया पैसा कमाने के लिए, है ना। लेकिन ये सरकार निबंधन रजिस्ट्रेशन करती है कि ये नाव चलेगा, उस पर इतना नाविक रहेगा और उस पर सुरक्षा ट्यूब वगैरह रखे रहेंगे ताकि डूबने के क्रम में वो ट्यूब लोग यूज कर सके, है ना। अगर नाव पे सब जगह ट्यूब बना हुआ रहेगा कि अगर नाव डूबता है तो ट्यूब खोल करके सब लोग क्या करेंगे, कूद जाएंगे पानी में तो बच जाएंगे। लाइफ जैकेट होता है पहनने वाला, हवा भरी हुई जैकेट होता है, उसको पहन लो तो फिर व्यक्ति डूबता नहीं है, वो बहता हुआ चला जाएगा कहीं का कहीं, लेकिन पानी में नहीं डूबेगा। और पानी निकालने के लिए कभी कभी नाव में पानी भार तेज रहने का कहता है
पानी चलाता है, पानी चलाता है तो उसको निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जब भी बैठो नाव में जो लिमिट है उसी लिमिट में नाव बैठना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं पूरे भर जाते हैं इधर से इधर, है ना, और इसकी लाइन जो है उससे पानी ऊपर होने लगती है, खतरे के निशान से ऊपर होने लगती है। तो हमें समझना चाहिए कि नाव क्या हो रहा है, ज़्यादा लोड हो रहा है, हमें नहीं बैठना चाहिए। लेकिन लोगों को जल्दबाजी रहता है कि अबर नहीं आएंगे अबर नहीं जाएंगे तो फिर पता नहीं दूसरी बार नाव आएगी तो रात हो जाएगा क्या होगा। ये तो हमें पहले सोचना चाहिए था क्या, और हम सवेरे चले, है ना, जान बचाना जरूरी है ना, हम पहले ही पहुंच जाते तो शाम में सब लोग पहुंच गए, गाड़ी लेकर के साइकिल लेकर के हमें नाव पार करना है। अब बताओ उसी स्थिति में क्या होगा, सब लोग आपाधा भी बैठेंगे, है ना, और जब आपाधा भी बैठेंगे तो उनको बैठने का मौका नहीं मिलेगा, उनको खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गया। और उतरते चढ़ते समय जब इधर घाट पे लग रहा है तो सब भीड़ क्या होगी, इधर चलाएगी, जब इधर आएगी तो नाव क्या होगा, पलट जाएगी। या फिर उतरते समय क्या करते हैं, चढ़ करके उस पर भागना चाहिए, जैसे नाव है तो नाव को ऐसे करके उतरना चाहिए, है ना। तो लोग क्या करते हैं पूरी छलांग लगाते हैं, उसको ऊपर पैर रखते हैं और छलांग लगाते हैं, तो नाव क्या होगा पीछे धकला जाएगा, और पीछे धकलाएगा तो सब लोग क्या करेगा, अरे पीछे जा रहा है नाव, सब लोग उस पर चढ़ने की कोशिश करेगा, नाव क्या होगा पलट जाएगा, है ना। तो हड़बड़ी और जल्दबाजी के कारण नाव क्या होने लगता है, डूबने लगता है। ज़्यादा लोड के कारण क्या होने लगता है, डूबने लगता है। अगर लाइसेंस वाला है वहाँ पे अधिकारी भी अगर आ सकते हैं कि नहीं 25 व्यक्ति बैठना तो 25 ही व्यक्ति बैठेंगे, लेकिन वहाँ कोई देख रेख नहीं करने वाला तो 50 व्यक्ति बैठे, साइकिल भी चला दिया, बकरी भी चला दिया, है ना, और कई कई नाव पे तो गाड़ी भी फोर व्हीलर भी चढ़ा दिए जाते हैं। तो सामान ले जाने के लिए अलग नाव की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, उस पर जिस पे व्यक्ति जा रहे हैं उस पर सामान नहीं ले जाना चाहिए। अगर हम सामान ले जाते हैं तो वैसी स्थिति में लोड ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, और खाली रहेगा तो लोग भी उस पर बैठेंगे। तो हमें ये सब सावधानी बरतना पड़ेगा कि नाव हम कब यूज़ करें, किस समय यूज़ करें, और कितनी सावधानी बरतें चढ़ते और उतरते समय, और उस पर बैठने के बाद लोग क्या करें। हम भी दो बार नदी में डूबते डूबते बचे, एक बार तो सोचे कि आज हम बचेंगे, है ना, नदी में कूद गए, अब कूद गए धार में तो सोचे कि धार में बहते हुए चले जाएंगे, तो गए तो आप होने लगे। मेरा एक दोस्त था जो कि मुझसे एक दिन का बड़ा है, है ना, बोला रे वो तो डूब रहा है पकड़ो, ज़्यादा पानी इतना ही दूर में था, बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं था, बस वो मेरा बाल पकड़ करके बाहर किया। उस दिन मैं सोचा कि आज तो मेरा काम तमाम ही था, है ना, आज कैसे कैसे बच गए। तैरने वाला व्यक्ति ही नदी में डूबता है, बिना तैरने वाला नहीं डूबता है, क्योंकि वो नदी में जाएगा नहीं, और जिसको तैरने आता है वो सोचेगा हम तो पार ही हो जाएंगे, और वो क्या होगा। एक व्यक्ति डूब रहा था और उसे बचाने के चक्कर में 7 लोग डूब गए। एक इसलिए कभी भी डूब रहा हो व्यक्ति तो उसको पकड़ करके बचाने की कोशिश, उसमें रस्सी फेंको, या बहुत ज़्यादा तैरा तो उसको दूर से बाल पकड़ो, है ना, उसको कहो कि तुम हाथ अपना मत टच करना, नहीं तो तुमको सबसे पहले डुबाएगा, वो बाद में डूबेगा, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, जो डूब रहा है वो डर के मारे क्या करेगा, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, तुमको डुबा देगा, तो बचाने वाला सबसे पहले डूबेगा। तो कभी भी उसको बचाओ तो क्या करो, कपड़ा है तो कपड़ा फेंको, है ना, रस्सी है रस्सी फेंको, या फिर चैन बनाओ नहीं जाएंगे, या फिर हम रस्सी बांध लिए, है ना, एक दूसरे को साथ में क्या करेंगे हैंड पूरा बांध लिए, अगर अकेले सोचे कि आओ तो तुमको खींच लेगा, फिर दो लोग गए। तो कभी भी अगर हम हाथ दे रहे हैं तो पीछे हमारे 4-5 लोग होने चाहिए, ताकि हम थोड़ा पानी में भी चले जाएँ तो उसको पकड़ करके ले आएंगे खींच लेंगे, है ना, या फिर दुपट्टा वगैरह है तो उसको जोड़ो जल्दी से, उसमें ईंटा बांधो और उसको दूर तक फेंको, और मजबूत से बांधो ताकि वो डूब, देखो खार में कभी नहीं डूबता है, जहाँ पानी बह रहा हो तो वहाँ नहीं डूबता, पानी स्थिर रहता है वहाँ पर ज़्यादा डूबता है, क्योंकि धार में तो पानी का एक गुण है कि धार चलेगा तो धीरे धीरे तुम ऐसे ही सिर पड़े रहो तो किनारे लग जाओ, लेकिन बीच में जो है वो किनारा थपथपाते रहेगा, इधर उधर नहीं होगा, उसी में डूब जाएगा। और उससे लोगों को क्या करना, फेंकना है ना, रस्सी फेंको दुपट्टा फेंको, अगर तो हमें हाथ पकड़ के उसको क्या करना चाहिए, ये दूसरे और ऐसे डबल बैंड लगाना चाहिए हाथ में, है ना, खुद भी पकड़ो, नहीं तो ऐसे करके पकड़ेगी वो छोड़ देगी, है ना, छूट जाएगा, तो ऐसे ही पकड़ना ऐसे ही पकड़ना, दोनों बैंड करके पकड़ना, और उसे क्या करो पानी से खींच लो, है ना। तो नाव दुर्घटना से हम सावधानी जरूरी है, बचाव जरूरी है, कि क्या सुरक्षा के उपाय हैं इसे हम जाने, है ना। तो नाव दुर्घटना ज़्यादातर नदी किनारे या बीच में भंवर हो जाता है, ज़्यादा भार बढ़ते हैं तो भौरी में फंस जाता है नाव, जहाँ पे भौरी होते रहता है ना, गोल गोल पानी घूमते रहते हैं तो उसमें फंस जाता है,
और नाव डूब जाता है। किनारे में ज्यादा क्या होता है, डूबता नाव अपनी गलती में रस डूबता है ना। लोग जल्दबाजी दिखाते हैं इसकी वजह से नाव डूब जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कब ना यूज करना है और कैसा ना यूज करना और कैसे ना यूज करना है ना। उसमें लापरवाही बरतना हमारे जान को हाथ धोना पड़ सकता है ना। अब उसमें गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको पहले जाने दो, बीमार व्यक्ति हैं उनको पहले जाने दो है ना, या अपने बच्चों के साथ व्यक्ति हैं उनको पहले जाने दो। बाकी सामान को अलग से ले जाओ अलग नाव पे, और बाद में जो तैराक हैं या ठीक ठाक लोग हैं तो बाद में भी जा सकते हैं है ना, और लेडीज हैं उनको पहले जाने दो। तो ये सब नियम कौन बनाएगा। लेकिन आज हमारे घाट पे क्या कहीं भी देखने वाले लोग नहीं है, कौन देखेगा। जब मन हुआ तब नाव कोई भी ले आया, अब कोई भी लेके जा रहा। अब आना चाहिए उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि एक माल बाग नाव होना चाहिए, एक व्यक्ति को ले जाने वाला होना चाहिए। और हमें भी बहुत अंधेर शाम तक इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि सवेरे ही गाँव की ओर चल जाना चाहिए है ना। इससे हम अपनी जान भी बचा सकते हैं, अपने को भी बचा सकते हैं, और नाव दुर्घटना से जो हानि हो रही है उससे भी बचा सकते हैं। इसलिए हर साल ये घटना होती है, ऐसा नहीं कि कल का, हर साल कई घटना होती है। अभी भी हो गया ना, दो तीन दिन पहले कितने लोग मर, कितना टीवी पे आ रहा था। तो इसे बचना है ना। तो एक बार जोड़ता कर देता हूँ।